वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. और यहाँ पर बताया गया है कि 2033 तक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रशिया और पाकिस्तान, ये जो दो देश हैं, ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे, बिल्कुल बिखर जाएंगे। हो सकता है कि आपने इन पर कुछ आर्टिकल देखे हो, नहीं देखे दिखा देता हूँ। रशिया पर तो देखिए, बहुत ज्यादा यूएस एनालिस्ट ऑलमोस्ट दावे से कह रहे हैं कि ये देश कोलैप्स करने वाला है। अगर नहीं कर रहा होगा, यूएस एक दो और धक्के मारकर पूरी कोशिश करेगा कि 10 साल के अंदर अंदर रशिया कोलैप्स कर जाए। ना मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी है कि देखो, रशिया के जब कोलैप्स की बात होती है ना, तो पर्सनली मुझसे आप अगर पूछे तो कुछ इसका इम्पैक्ट मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि रशिया उन चुनिंदा देशों में से है जो पिछली एक सदी में, पिछले 100 साल में दो बार कोलैप्स कर चुका है। क्योंकि हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो 1917 से लेकर 1922 तक यूएसएसआर था, एक सॉवरेन स्टेट। फिर आपको बताया होगा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, लेनिन ने पावर हथिया ली, और उसके बाद एक बड़े चेंज के बाद, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए गवर्नमेंट कोलैप्स के बाद, यूएसएसआर बना एक रिपब्लिक, यूनियन रिपब्लिक ऑफ द सोवियत यूनियन। ये लास्ट किया 1922 से लेकर 1991 तक। फिर हमने देखा कि एक बड़ा कोलैप्स हुआ, यूएसएसआर कई देशों में टूट गया, बट उसके बाद भी आज देख लो आप, आज भी रशियन फेडरेशन के बाद अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अपने आप में एक काफी स्ट्रांग मिलिट्री पावर है। तो अगर यूएसए कहता है कि फिर से कोलैप्स होता है, तो इससे मैं ये नहीं मानूंगा कि बिल्कुल रशियंस मैप से मिट जाएंगे। हाँ, उनको झटका लग सकता है। अब ऑब्वियसली आप यहाँ पर पूछेंगे, मगर यूएसए की ये रिपोर्ट है कहाँ पर? इस रिपोर्ट में बाकी और बातें क्या लिखी है? मैं तो पाकिस्तान का दिखाता हूँ साथ में, और जो डिटेल्स है ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ये रिपोर्ट पब्लिश करी है अटलांटिक काउंसिल ने, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप कह लीजिए सेंटर है जियोपॉलिटिकल थिंकर्स का यूएसए में। इन लोगों ने यूएसए में जो भी टॉप मोस्ट जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, जिन्होंने बुक्स लिखी है, पेपर्स पब्लिश किए हैं, और काफी बार यूएस गवर्नमेंट को ऑन रिकॉर्ड एडवाइस भी की है, ऐसे 160 जियोपॉलिटिकल थिंकर्स का ग्रुप बनाया और उनसे पूछे सवाल आने वाले 10 साल को लेकर। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, पहला सवाल थोड़ा सा अटपटा सवाल था, मगर फिर भी लोगों ने यहाँ पे पूछा। क्वेश्चन ये था कि हम आपको ना 4 कंट्रीज के नाम देते हैं, आप हमको बताओ कि 2033 तक इनमें से वो कौन से देश हैं जो बिल्कुल बिखर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। ये सब इंटरनली होना चाहिए, रेवोल्यूशन, सिविल वॉर, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के अलावा कोई और रीजन भी हो सकता है। आप बताइए कि आपके हिसाब से इनमें से कौन से देश बिखर जाएंगे। 40% एनालिस्ट ने कहा कि रशिया, 8% ने कहा यूएसए, 6% ने कहा चाइना, 1% ने कहा इंडिया। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट, इंडिया क्यों? अमेरिका के जियोपॉलिटिकल थिंकर, इतना बड़ा यहाँ पे इनका थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल, फिर भी ये कहते हैं कि जी चाइना इंडिया से जरा चांस है कि हम लोग ही बिखर जाएं। तो मैं अगेन यहाँ पर कहूंगा कि जब कोलैप्स वर्ड यूज करते हैं तो ये कहती है कि थोड़ा बहुत बंटवारा हो सकता है, हो सकता है कि देश में डिसइंटीग्रेशन हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा यूएसए कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियर वेपन गायब हो जाएंगे। हाँ, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि यूएस डेमोक्रेसी में, जो हाल ही में एक बहुत ही गलत एग्जांपल सेट किया गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के यूएस इलेक्शंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर हैं ये यूएस कांग्रेस में पहुंच गए, यूएसए की पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, उससे देखिए एक बड़ा खराब एग्जाम्पल सेट होता है। और अब अगर ट्रंप वापस पावर में आते हैं, फिर से थोड़ा आप कह लो यूएसए को डिवाइड कर देते हैं ना, तो एक बार को पॉसिबिलिटी है कि यूएसए में दो खेमे बन जाए, दो अलग विचारधाराओं के लोग बन जाए, क्योंकि यूएसए इंटरनली ना आज के समय बहुत डिवाइडेड है। एक साइड यूएसए का राइट विंग ऐसे भी है जो कह रहा है कि औरतों के पास ना अबॉर्शन करने का भी हक नहीं होना चाहिए। आपको बताओगे यूएसए में कई स्टेट्स हैं, वहां पे अबॉर्शन करवाना औरतों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। फिर दूसरी तरफ एक अलग साइड है, वो एलजीबीटीक्यू राइट्स, उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत ही अलग व्यूज रखती है। तो इसलिए यूएसए को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, हालांकि काफी कम एनालिस्ट ने कहा, सिर्फ 8% एनालिस्ट ने कहा
कि यूएसए भी हो सकता है कि टूट जाए। सबसे ज्यादा एनालिस्ट ने यह कहा कि रशिया के टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा है आज के समय। फिर इनसे यह पूछा कि दुनिया में वो कौन सा देश है जो बहुत ही जल्द 10 साल के अंदर अंदर एक फेल्ड स्टेट बन जाएगा। फेल्ड स्टेट और कोलैप्स में फर्क होता है। कोलैप्स होता है कि बंटवारा हो गया, थोड़ा कुछ रशिया को ऊपर गया है पाकिस्तान से, कंट्री के साथ कंट्री चलता रहे, इट इज पॉसिबल। फेल स्टेट डिफरेंट होता है, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो सोमालिया में हुआ था वैसा सीन हो सकता है। तो यहाँ पे जब पूछा गया कि फेल स्टेट आने वाले 10 साल में कौन से देश बन सकते हैं, तो नंबर वन पे था यहाँ पर रशिया। अगेन रशिया को लेकर देखिए, पहली बात तो अमेरिकन के मन में नफरत बहुत ज्यादा है। एक आप कह लीजिए एक पर्सनल लेवल पर वो काफी नफरत करते हैं रशियन से। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर ये भी आता है कि कई यूएसए के जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि पुतिन आखिरी मेजर लीडर है रशिया के। क्योंकि अभी के लिए देखो, पुतिन ने ना अपने जो भी प्रतिद्वंदी हैं, जो भी ऑपोजिशन पार्टी के बड़े नेता हैं, या तो उनको जेल में डाल दिया या उनको मरवा दिया। इंडिया में अगर हम देखें, मैं अगर आपसे पूछूं तो मोदी जी अपने आप में बहुत ही बड़े लीडर हैं, मगर मोदी जी के बाद भी आप अगर देखो भारत के पास ना लीडरशिप में कितना सारा टैलेंट है, कितने सारे आज के समय भारत में लीडर्स हैं जो कल को इंडिया को लीड कर सकते हैं। कौन? ये केस रशिया में नहीं है। इवन यूएसए में भी आप देख लो, बहुत सारे लीडर्स हैं यूएसए में, यूके में भी, जो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज को लीड कर सकते हैं, मगर रशिया में पुतिन के बाद ना एक यूनिफाइंग फिगर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा इनके लिए। क्योंकि कोई प्रॉपर इलेक्शन होते नहीं है, लोगों की रजामंदी से कोई पावर में आता नहीं है, और कल को जो भी पावर में आएगा उसको एक ऐसी इकोनॉमी मिलेगी जिस पर सैंक्शन लगे होंगे, ग्रोथ रेट होगी नहीं, जॉब नीचे जा रही होंगी, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए रशिया को टॉप पे रखा गया है। यूएस एनालिस्ट मानते हैं 10 साल के अंदर अंदर आप देखोगे द कंप्लीट फेल स्टेट ऑफ रशियन फेडरेशन। फिर जी ये रशिया के बाद आते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मैं भी कहूंगा, पर्सनली मैं आराम से कहूंगा 10 साल में मुझे लगता नहीं है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान की गवर्नमेंट है टिक पाएगी। डेफिनेटली पाकिस्तान को तो इंस्टेबिलिटी आने वाली है। पाकिस्तान अगेन देखो, एज एन इंडियन पाकिस्तान का नाम जब इस लिस्ट पे दिखता है तो लोग एज्यूम करेंगे कि ठीक है, मैं खुद भी इसको एडवोकेट करूंगा, मगर एक न्यूट्रल तरीके से भी आप अगर देखो ना तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। पाकिस्तान बहुत हद तक बटा हुआ देश है। 2023 के चुनाव पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक होंगे। अगर मान लीजिए इमरान खान चुनाव हारते हैं और फिर से बिल्कुल आप कह लो लाउड स्पीकर में बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी करप्ट है, पाकिस्तान के जनरल बिके हुए हैं, यूएसए सब कुछ करवा रहा है, एक बार को मैं कहूंगा पाकिस्तान बढ़ सकता है, इंटरनली ये कंट्री कोलैप्स कर सकती है, सिविल वॉर हो सकती है। तो पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा वेनेजुएला यहाँ पे आपको मिलेगा। निकोलस मदुरो आज भी वेनेजुएला को प्रॉपरली मैनेज कर नहीं पा रहे। वेनेजुएला बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ब्राजील के नॉर्थ में आपको देश मिलेगा, क्रांकर राजधानी है इसकी। फिर आप देखोगे वेनेजुएला के ठीक बाद आपको ये कोई मजाक नहीं है, बहुत ज्यादा डिविजन है और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज या कल में, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये डिवीजन कल को यूएसए को एक फेल्ड स्टेट की तरफ भी ले जाए, इट इज पॉसिबल। फिर यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को, हेती को, नाइजीरिया को, लेबनान को, म्यांमार को, और फिर वेरियस अदर कंट्रीज को मेंशन कर दिया गया है। चलो इंडिया का यहाँ पर मेंशन 1% कैटेगरी में आया है। फिर हम अगले सवाल में जाते हैं। आगे देखिए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट से ये पूछा गया कि इनमें से वो कौन से देश है जिनके पास आने वाले 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन्स आने वाले हैं। सब ने एक स्वर में जवाब दिया ईरान। ईरान के बाद जवाब था सऊदी अरेबिया। क्योंकि पाकिस्तान से अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लेता है 10 साल में, जिसकी प्रोबेबिलिटी में मेरे हिसाब से 99% है, मैं खुद तैयार हूँ। आई मीन मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि अगर मैं कल परसों या कभी भी एक दो साल बाद उठूं सुबह सुबह न्यूज आ रही हो कि ईरान ने रात को 3-4 बड़े न्यूक्लियर टेस्ट किए अंडरग्राउंड, या फिर इवन हो सकता है कि दुनिया के सामने ये लोग एक न्यूक्लियर टेस्ट करें, और उसके कुछ ही सालों के अंदर अंदर चाहे पाकिस्तान हो या किसी कंट्री से सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर वेपन्स कैसे भी लाएगा एंश्योर करने के लिए कि रीजन में ना बैलेंस हो, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स ईरान को एक बहुत ही बड़ा एज दे देंगे। तो ईरान सऊदी अरेबिया इन दोनों कंट्रीज की राइवलरी आने वाले 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। उसके बाद अगेन साउथ कोरिया का मेंशन किया गया है, जापान का मेंशन किया गया है। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा कम है ये दोनों देश न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज नहीं बनने वाले, अनलेस चाइना डायरेक्टली जापान को अटैक करे। फिर एक क्वेश्चन इनसे ये पूछा गया जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट से कि आपके हिसाब से आने वाले 10 सालों में कौन सा देश है जो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। इंटरेस्टिंगली
यहाँ पर जियो पोलिटिकल एनालिस्ट ने ज्यादा कहा है, 58% एनालिस्ट ने कहा है कि किसी भी टाइप के न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा। 14% एनालिस्ट ने कहा है कि रशिया हो सकता है कि यूज करे, नॉर्थ कोरिया का यहाँ पे नाम लिया गया, इसराइल 3%, पाकिस्तान 3% चांस है। जी हाँ, पाकिस्तान के 3% चांस है कि पाकिस्तान आने वाले 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन यूज करे। इंडिया का 1% चांस है, चाइना का 1% है और यूएसए का भी 3% चांस आपको दिखेगा। तो अगेन यहाँ पे प्रेडोमिनेंटली आप कह सकते हैं मेजोरिटी में ज्यादातर एनालिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में भी न्यूक्लियर वेपन यूज। क्या आप मानते हैं कि आने वाले 10 सालों में डेमोक्रेसीज का क्या हाल होने वाला है? तो सारे एनालिस्ट ने, ऑलमोस्ट आप कह लो सब ने यही जवाब दिया है कि डेमोक्रेसीज डिक्लाइन में जाएंगी। 35% एनालिस्ट ने कहा कि आपको दुनिया में कब डेमोक्रेसीज दिखेगी। 34% ने कहा कि रफली जितनी डेमोक्रेसीज हैं उतनी होंगी, थोड़ी बहुत कम हो सकती है। सिर्फ 26% ने कहा कि उल्टा दुनिया में डेमोक्रेसी बढ़ेगी। तो आप कह रही है मेजोरिटी यहाँ पर कह रही है कि दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज कम होंगी, क्योंकि अगेन डेमोक्रेसी का जो बेसिक फंडामेंटल एक पिलर है ट्रांसफर ऑफ पावर, जब उस पर प्रॉपरली काम नहीं होगा तो बिल्कुल डेमोक्रेसी दुनिया में कमी होंगी। फिर आगे पूछा गया कि अभी के लिए वो कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कल को ऑटोक्रेटिक हो सकती है। ऑटोक्रेटिक होता है जैसे एक टाइम पर हिटलर के अंडर नाजी जर्मनी हो गई थी, एक ऑटोक्रेसी थी। तो सबसे ज्यादा इन्होंने 4 कंट्रीज के बारे में मेंशन किया है, यूएसए, हंगरी, इंडिया और टर्की। के हिसाब से इंडिया के भी बहुत ज्यादा अच्छे चांस है एक ऑटोक्रेटिक कंट्री बनने की। फिर एक और सवाल ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी ऑटोक्रेटिक कंट्री अभी जो है वो कल को डेमोक्रेटिक बन सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ईरान, रशिया, टर्की, बेलारूस, इन 4 कंट्रीज का मेंशन किया गया। तो ओवरऑल देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आप सब लोग करिएगा आंसर। आपके हिसाब से आने वाले 10 सालों में 2033 तक वो कौन सा एक देश है जो आप मानते हैं कोलैप्स कर सकता है? पाकिस्तान। इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहूंगा। अगर यूएसए सपोर्ट करना बंद कर दे, जो जो उनको लग रहा है उसकी फीलिंग ही होती है कि सर्वे सर्वे है, पर काफी गफले थे यार काफी गफले थे। जिस तरह से बाबा रशिया को प्रोजेक्ट करें, फॉल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और पाकिस्तान को लो किया हुआ, और यूएसए को भी आगे डाला हुआ है। मतलब यूएसए को अगर अभी करंट सिचुएशन में देखो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो उसको भी पाकिस्तान के इक्वल करें जहाँ पे इतनी बुरी हालत। मतलब यूएस में तो मिस्टर ट्रंप ने जो किया था उसके बाद लॉज इतने पावरफुल कर दिए हैं कि ऐसी चीज दोबारा कभी रिपीट ना हो। अभी इसका टेस्ट होना, देखेंगे जब टेस्ट होगा, मगर अभी तक तो उन्होंने ये कहा है कि हमने इतने चेंज। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।